हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डव बेबी सोप बेबी के लिए अच्छा होता है कि नहीं, क्या इसमें पैराबीन्स होते हैं, क्या ये 2 इयर्स के बेबी पर यूज कर सकते हैं, इसकी प्राइस क्या है और भी बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे इस सोप को लेकर। तो आज की वीडियो में आपको इस सोप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और तब आप डिसाइड करना कि ये सोप आपको लेना चाहिए कि नहीं अपने बेबीज के लिए। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को अपना लाइक दे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें ताकि आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि हम जानते हैं कि बेबीज की स्किन 30% थीन होती है हमारी स्किन की तुलना में, जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत तेजी से अपने मॉइस्चर को खो देती है और ड्राई होने लगती है। मतलब हमारी स्किन की तुलना में 5 गुना ज्यादा तेजी से बेबीज अपने स्किन के मॉइस्चर को लूज करती है। इस वजह से बेबी पर इस तरह के सोप, क्रीम, बेबी वॉश यूज करना चाहिए जिसमें मॉइस्चराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हो और जो देर तक स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करके रखे और साथ ही स्किन डेवलपमेंट में भी हेल्प करे। कुछ सोप ऐसे होते हैं जिनका यूज करने के बाद जो स्किन होती है वो बहुत तेजी से अपने मॉइस्चर को खो देती है और ड्राई हो जाती है, जैसे कि हम बड़े भी यूज करते हैं सोप को। तो ऐसे सोप बच्चों पर यूज ना करें, स्पेशली बेबीज पर ऐसे सोप को यूज ना करें। तो बेबीज के लिए बेस्ट सोप कौन कौन से होते हैं इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे बेबी सोप का रिव्यू किया हुआ है, उन सब में एक चीज कॉमन थी कि उनका जो पीएच लेवल था वो 5.4 या 5.5 के करीब था। और जो हमारी स्किन का पीएच होता है, ह्यूमन बींग के स्किन का जो पीएच होता है वो थोड़ा एसिडिक साइड में होता है, 4 से 6 के बीच में होता है। बट यही एक ऐसा सोप मुझे मिला है, बेबी सोप मुझे मिला है जिसका जो पीएच लेवल है वो न्यूट्रल रखा गया है, मतलब 7 रखा गया, मतलब वाटर के टाइप का रखा गया है। ये एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो इस वजह से ये बच्चों की स्किन के लिए बिल्कुल सेफ होता है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट बच्चों की स्किन पर इसकी वजह से नहीं आता है क्योंकि इसका जो पीएच लेवल है वो आपका 7 दिया गया है। बाकी जितने भी मैंने सोप का रिव्यू किया अपने चैनल पर, आप देखना जाकर, उन सब का जो पीएच लेवल है वो 5.5 या 5.4 है, बहुत सही पीएच लेवल है क्योंकि हमारी स्किन का पीएच 4 से 6 के बीच में होता है, तो वो भी स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। बट ये एक ऐसा इकलौता सोप मुझे मिला है जिसका पीएच लेवल 7 दिया हुआ है। अगर हम बात करें बेबी डव सोप के बारे में तो ये सोप 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम का बना होता है। यह हाइपोएलर्जेनिक होने के साथ साथ इसका जो पीएच है वो न्यूट्रल रखा गया है, पेडियाट्रिशियन अप्रूव्ड है। ये बेबीज के स्किन को एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाता है और ड्राइनेस के प्रॉब्लम को भी दूर रखता है। फ्रेंड्स, इस सोप में स्किन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी दिए हुए हैं जो स्किन को डेवलप करने का काम करता है। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी स्किन जो होती है वो बनती रहती है, तो ये सोप जो है उस स्किन को बनाने का भी काम करेगा। तो अगर आपकी बेबी की स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है तो आपके लिए ये सोप जो है वो बेस्ट होगा, मतलब आपके बेबीज के लिए सोप बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये बेबी सोप को आप न्यूबॉर्न बेबी पर यूज कर सकते हो, साथ ही 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल के बच्चों पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। साथ ही ये बेबी सोप टीयर फ्री होता है, इससे बच्चों की आंखों में कोई भी जलन नहीं होता है। इस सोप में कोई भी डाई, पैराबीन्स, फ्थैलेट, सल्फेट जैसे हानिकारक केमिकल्स नहीं दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें लॉरिक एसिड दिया हुआ है जो बेबी के स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने का काम करता है। साथ ही इसमें सोडियम ऑलिएट, सोडियम लॉरेट भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से इस सोप में क्रीमी व्हाइट कलर की लेदर आपने देखा होगा बनते हुए, तो ये इसमें बनता है उससे, सोडियम ऑलिएट और सोडियम लॉरेट की वजह से। साथ ही इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड भी दिया हुआ है जो इस सोप को क्रीमी व्हाइट बनाते हैं, और साथ ही बेबी के स्किन पे जो भी ड्राइनेस होती है या जो भी गंदगी होती है या जो भी बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं उन्हें दूर करने का काम करता है। साथ ही ग्लिसरीन भी इसमें दिया हुआ है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसमें दिए हुए हैं। तो अगर आपके बेबी को डायपर रैश होता रहता है या पूरे बॉडी पर रैश होता रहता है तो आप इस सोप का यूज कर सकती हैं, क्योंकि इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ साथ जिंक ऑक्साइड भी दिया हुआ है जो पैथोजेंस और बैक्टीरिया को रिमूव करने का, दूर करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस सोप में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है कि ये हेड टू टो सोप है, मतलब आप इस सोप से बेबी के हेयर को वॉश ना करें। हेयर वॉश करने के लिए आप बेबी शैम्पू ले सकते हैं, इस सोप को आप केवल बेबी के फेस पर और पूरे बॉडी पर यूज कर सकते हैं। तो ये 75 ग्राम की सोप है और उसकी जो प्राइस है वो 62 रुपीज है, मतलब 65 रुपए से भी कम आपको ये सोप मिल जाएगा और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 इयर्स के करीब है। फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है, कोई भी प्लास्टिक की रैपर इसमें दी हुई नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे ही ये सोप आता है और यहाँ पर लोगो दिया हुआ है डब का और काफी स्मूथ सा सोप है, बहुत ही सॉफ्ट सा है और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो लेवेंडर टाइप की फ्रेगनेंस है, काफी अच्छी फ्रेगनेंस है क्योंकि छोटे बच्चों पर यूज करना होता है तो कोई भी इरिटेटिंग फ्रेगनेंस नहीं होता है बेबी प्रोडक्ट्स में। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह की ये सोप है।
तो फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सारे क्वेरीज का आंसर मिल चुका होगा। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये सोप अपने बेबी के लिए लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे तो ये सोप बहुत ज्यादा पसंद है। स्पेशली इसका जो मॉइस्चराइजिंग पावर है वो बहुत ही ज्यादा है, और साथ ही इसका जो पीएच है वो भी 7 है। तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि बेबी की स्किन के लिए बिल्कुल सेफ रहेगा और बहुत ही अच्छे से बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेगा। तो फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियो, और साथ ही आने वाले नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो से हेल्प ले सके। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए फ्रेंड्स, क्योंकि काफी टाइम से मैं काफी सालों से मैं इस चैनल पर वर्क कर रही हूं, काम कर रही हूं, बट अभी आप देख रहे हो कि कितने कम फॉलोअर्स है मेरे। सब लोग वीडियो देखते हैं, 3-3 लाख व्यूज हो जाते हैं मेरे चैनल पर, बट फिर भी सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके ही जाए।